है, एक्सरसाइज 5 में है, इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को रेखांकित कर उन्हें निर्देशित करें। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन है और फिर कॉमन नाउन है उसको रेखांकित करके उसमें क्या करना है, नाम लिख देना है। अगर प्रॉपर नाउन है तो उसको रेखांकित करके पीएन लिखेंगे, अगर कॉमन नाउन है तो उसको रेखांकित करके सीएन लिखेंगे। चलिए देख लीजिए, दिस इज मोहन, इसमें मोहन प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसको रेखांकित करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है तो पीएन लिखे। फिर नेक्स्ट वन, दिस इज गीता, तो इसमें गीता कौन सा नाउन है, गीता हो गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट में मोहन, इसमें मोहन हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉय कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। देख लीजिए, सीता यह हो गया प्रॉपर नाउन, और गर्ल ये कॉमन नाउन हो गया, पेन ये कॉमन नाउन हो गया, फिर पटना ये पर्टिकुलर नाम है प्लेस का है तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन टाउन ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है प्लेस का बल्कि ये पूरे क्लास या श्रेणी का बोध कराता है तो इसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। फिर स्कूल यह कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर देख लीजिए, 8 में मिस्टर सिन्हा ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, फिर टीचर तो टीचर ये कॉमन नाउन हो गया, फिर डॉग ये कॉमन नाउन हो गया यहाँ पर, फिर डैट इज बुक, बुक कौन सा नाउन हो गया, यह अभी कॉमन नाउन ही हो गया क्योंकि पूरी श्रेणी या जाति का बोध कराता है यहाँ पर। चलिए 11 नंबर में इंडिया ये पर्टिकुलर नाम है देश का, कंट्री का, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। श्याम यह भी पर्टिकुलर नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन। कार इसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। फिर नेक्स्ट वन डॉक्टर, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। फिर देख लीजिए माई शर्ट, तो यहाँ पर शर्ट कौन सा नाउन है, शर्ट तो कॉमन नाउन है। फिर स्कूल, स्कूल कौन सा नाउन है, स्कूल भी कॉमन नाउन है। फिर गुड, सॉरी ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। देख लीजिए दी गंगेज, यह कौन सा नाउन है, यह प्रॉपर नाउन है। और फिर रिवर, रिवर कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करके लिखना था कि कौन कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन कौन सा कॉमन नाउन है। चलिए इसे हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन कौन है और कॉमन नाउन कौन कौन है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें कॉमन नाउन कितने हो गए। देखिए इसमें एक हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा ये, तो दो, तीन, चार, पांच, छः, टोटल इसमें प्रॉपर नाउन टोटल कितना हो गया, इसमें प्रॉपर नाउन की संख्या हो गया 9 और कॉमन नाउन कितना हो गया, कॉमन नाउन हो गया 13। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज